नमस्कार, आओ सीखो के स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत। इस वीडियो में मैं कैलाश शर्मा आपको सिखाने जा रहा हूँ कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस जिनकी आवश्यकता हमें मिलते और बिछुड़ते वक्त पड़ती है। दरअसल हम जब भी किसी से मिलते हैं और पहली बार जब हमारा परिचय कराया जाता है तो आम तौर पर हम उन्हें कहते हैं हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू के अलावा भी क्या कुछ कहा जा सकता है? जैसे ही परिचय हुआ, जैसे ही किसी का नाम हमें बताया गया या व्यक्ति ने खुद ने अपना नाम हमें बताया तो हम उसे हाउ डू यू डू जैसी अत्यंत फॉर्मल चीज के स्थान पर क्या कह सकते हैं? चलिए अभी हम ये सीखते हैं। हाउ डू यू डू का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही रेयरली इस्तेमाल होता है और प्रश्न उठता है कि कौन सा दूसरा एक्सप्रेशन है जो परिचय कराए जाने पर हम बोल सकते हैं। तो वो एक्सप्रेशन है प्लीज्ड टू मीट यू। आई रिपीट, प्लीज्ड टू मीट यू। प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज टू मीट यू, जिसका अर्थ है आपसे मिलकर खुशी हुई। दोस्तों, प्लीज टू मीट यू का एक और वेरियंट यानी रूपांतर है और वो है आई एम प्लीज टू मीट यू। आई एम प्लीज टू मीट यू यानी मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं आपसे मिलकर खुश हूं। एक बात यहां समझ लें, आई एम प्लीज टू मीट यू ही ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, परंतु धीरे धीरे जो चीज ज्यादा इस्तेमाल होती है उनके शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल होने लग जाते हैं, इसीलिए इसमें से आई एम निकल गया और बोलचाल में रह गया प्लीज टू मीट यू। पर अभी भी हम प्लीज टू मीट यू और आई एम प्लीज टू मीट यू दोनों का इस्तेमाल देखते हैं। तो देखिए, प्लीज्ड का मतलब होता है खुश, प्रसन्न, और इसके जो समानार्थी शब्द हैं वो हैं ग्लैड, हैप्पी, डिलाइटेड। तो हम इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हर बार हम प्लीज्ड बोले ये जरूरी नहीं है। हम कह सकते हैं आई एम हैप्पी टू मीट यू, आई एम डिलाइटेड टू मीट यू, आई एम ग्लैड टू मीट यू। इन चारों वाक्यों का अर्थ तो वही होगा। अब एक बात हमारे मन में आती है और वो यह कि हमने अपना परिचय दिया और सामने वाले ने कहा आई एम प्लीज टू मीट यू, तो हम वापस जवाब में क्या बोलेंगे? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर अच्छे अच्छे नहीं दे पाते और आमतौर पर वो बस मुंह देखते रह जाते हैं। दरअसल इसका बड़ा सुंदर सा आंसर होगा और वो होगा द प्लेजर इज माइन। आई रिपीट, द प्लेजर इज माइन। द प्लेजर इज माइन का मतलब है कि खुशी तो मेरी है जनाब, यानी आपको मुझसे मिलकर खुशी हुई, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, ये बताने के लिए हम कहेंगे द प्लेजर इज माइन, यानी खुशी तो मेरी है, यानी आपसे मुलाकात होने पर मैं आपसे भी ज्यादा खुश हूं। हिंदी में कई बार हम ये नहीं कहते कि आपसे मिलकर खुशी हुई, बजाय इसके हम कह देते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब हमारे मन में प्रश्न आया कि अगर अंग्रेजी में हम ये कहना चाहें तो कैसे कहेंगे? इसका जवाब है, आप कहिए इट्स नाइस टू मीट यू, इट्स नाइस टू मीट यू, यानी कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसमें से आप इट्स को निकाल भी सकते हैं और एक शॉर्टेंड वर्जन, छोटा रूप आप इस्तेमाल करें, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू यानी आपसे मिलकर अच्छा लगा। जब हम किसी से कहेंगे आपसे मिलकर अच्छा लगा तो वो सामने वाले का रिस्पांस क्या होगा? सामने वाले का रिस्पांस होगा सेम हियर। सेम हियर का अभिप्राय है जितनी खुशी आपको हुई या जितना अच्छा आपको लगा उतना ही अच्छा मुझे भी लगा, तो वो हो जाता है सेम हियर। सेम हियर इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है और बहुत ही ज्यादा फॉर्मल सिचुएशन में द प्लेजर इज माइन जैसे वाक्य प्रयोग में आएंगे और इन साधारण संदर्भों में हम सीधे सेम हियर बोल सकते हैं। अंग्रेजी में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रैक्टिस। ये सारे जुमले, ये सारे एक्सप्रेशन आपको तभी याद होंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए लेते हैं एक छोटी सी प्रैक्टिस, एक छोटा सा डायलॉग जिसमें हम एक काल्पनिक सिचुएशन में बातचीत करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इन जुमलों का इस्तेमाल होता है। सेटिंग कुछ इस तरह की है कि मुझे कहीं पर मुख्य वक्ता के रूप में बोलने के लिए बुलाया किसी कंपनी में, और कंपनी का मैनेजर मुझे जानता है पर मैं उसे नहीं जानता। वो आकर के मुझे न केवल खुद का परिचय देता है
बल्कि अपनी एक सहकर्मी यानी अपने कलीग का भी परिचय देता है। तो किस तरह से ये बातचीत बनेगी, चलिए देखते हैं इस डायलॉग। मिस्टर मिश्रा मुझे कहते हैं, हेलो मिस्टर शर्मा, माय नेम्स राहुल मिश्रा, आई एम द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। मैं कहता हूं, आई एम प्लीज टू मीट यू मिस्टर मिश्रा। नेचुरली मैंने आपको सिखाया है, जैसे ही हमें किसी का नाम मालूम पड़ा या तो हम कहेंगे हाउ डू यू डू या फिर हम कहेंगे आई एम प्लीज टू मीट यू। मैंने कहा आई एम प्लीज टू मीट यू मिस्टर मिश्रा, उन्होंने कहा द प्लेजर इज माइन। सर आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू माई कलीग रानी बंसल। उसने आगे कहा कि मैं आपका परिचय मेरी सहकर्मी रानी बंसल से कराना चाहता हूं। फिर वो रानी की ओर मुखातिब होते और कहते हैं, रानी दिस इज मिस्टर कैलाश शर्मा आर की नोट स्पीकर। ये हैं कैलाश शर्मा और ये हमारे मुख्य वक्ता हैं। इस पर मिस बंसल मुझसे कहती है, इट्स नाइस टू सी यू मिस्टर शर्मा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और मैं उन्हें जवाब में कहता हूं, सेम हियर। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई कहता है इट्स नाइस टू सी यू तो आप कहिए सेम हियर। दोस्तों यहां पर एक चीज और देखने लायक है, एक शब्द है एम डबल ई टी मीट और दूसरा शब्द है एस डबल ई सी। दोनों का अर्थ होता है मिलना। सी का एक अर्थ देखना भी होता है पर दूसरा अर्थ मिलना भी होता है। इसीलिए जब हम विदा लेते हैं तो गुड बाय की जगह पर कई बार हम कहते हैं सी यू, और सी यू का मतलब होता है या सी यू अगेन भी बोलते हैं, फिर से मिलेंगे फिर मिलेंगे। तो यहाँ मतलब ये नहीं होता है कि फिर मिलेंगे और आपको देख लेंगे। सी यू का मतलब ये नहीं कि हम आपको देख लेंगे, ये तो धमकी है। इसलिए आप कभी भी ऐसे अर्थ में ना लेकर के समझें कि जब कोई कह रहा है सी यू या सी यू अगेन तो ये कहना चाह रहा है गुड बाय फिर मिलेंगे। तो ये गुड बाय का ही एक विकल्प है। पर जब हम किसी से कहते हैं नाइस टू मीट यू, उसकी जगह कभी कभी हम सुनते हैं नाइस टू सी यू, तो इन दोनों में कुछ अंतर है। जब पहली बार किसी से मिलते हैं तो हम मीट यू का इस्तेमाल करते हैं, नाइस टू मीट यू। परंतु जब किसी से दूसरी बार तीसरी बार कई कई बार मिलते हैं तो हम कहते हैं नाइस टू सी यू अगेन, प्लीज टू सी यू अगेन। ये जो एक्सप्रेशन, इसमें सी शब्द आया फिर से मिलने के लिए। इसलिए आप ये याद रखें, मीट और सी कहने को एक जैसे अर्थ वाले हैं पर फिर भी इनके इस्तेमाल अलग अलग है। पहली बार मिलने पर मीट और बाद में अगली बार मिलने पर हम सी का इस्तेमाल करेंगे। प्रैक्टिस करते रहें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।